रोने से हमको रोकने आए थे वो, मगर बेख्तियार उनके भी आंसू निकल पड़े। जरा मुझसे आंखें मिलाकर बात कीजिए। इन आंखों में छलकते हुए आंसू इस बात की गवाही दे रहे हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी एक मखमली आवाज की। एक ऐसी आवाज जिसका फिल्म संसार में कभी कोई जोड़ नहीं आया। तेरी याद चली आई है। एक आवाज जो अपने आप में निराली है, जो हमारी तन्हाइयों और हमारी उदासियों की साथी है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज मैं बात करूंगी गायक तलत महमूद की। जाने कब चोरी चोरी आई है बहार। इनका जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके पिता मंजूर अहमद थे। बहुत कम उम्र में उन्होंने पंडित एससी आर भट्ट से मॉरिस कॉलेज लखनऊ में तालीम ली। ये दौर था सन 1920 और 1930 का। तलत महमूद शास्त्रीय और सुगम संगीत की तालीम ले रहे थे। तो नहीं है मेरा लेकिन फिर। सन 1939 तलत महमूद ने बतौर गायक अपना करियर शुरू किया। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र में तलत महमूद गजलें गाने लगे। ये वो दौर था जब तलत महमूद दाग, मीर, जिगर, मिर्ज़ा गालिब और फैज़ अहमद फैज़ जैसे शायरों के आसार आकाशवाणी लखनऊ के लिए रिकॉर्ड करवाया करते थे। इसके बाद तलत महमूद चले गए कोलकाता। कोलकाता में HMV के लिए तलत महमूद गाने लगे तपन कुमार के नाम से। उन्होंने वहाँ कई रचनाएँ रिकॉर्ड करवाईं। सन 1941 तलत महमूद की पहली डिस्क आई और ये वो गाना था जिसने उन्हें बेहद मशहूर कर दिया। और गाने के बोल थे, सब दिन एक समान नहीं था। दोस्तों, तलत महमूद ऐसे चुनिंदा गायकों में से थे जिन्होंने गैर फिल्मी गज़लें और गीत गाकर वो शोहरत हासिल की थी जो लोग फिल्मी गाने गाकर करते हैं। यहाँ तक कि तलत महमूद ने फिल्मों में गाना शुरू नहीं किया था। तलत महमूद को दोस्तों फिल्मों में अभिनय करने का भी शौक था। अपने करियर में तकरीबन 16 फिल्मों में इन्होंने काम भी किया। कलकत्ता में बनी 3 फिल्में तो बड़ी ही कामयाब रहीं। तपन कुमार के नाम से वो बांग्ला में कुछ गीत भी रिकॉर्ड करवाते थे और अमूमन उनके संगीतकार हुआ करते थे कमल दास गुप्ता। सन 1949 में तलत महमूद मुंबई आ गए। उनका मकसद था फिल्मों में गाने गाना। यहाँ आकर उन्होंने बेमिसाल संगीतकार अनिल बिस्वास से मुलाकात की। अनिल बिस्वास को तलत महमूद की आवाज़ जम गई और फिर फिल्म आरजू में इन्होंने गाया अपना पहला गाना। इस गाने से तलत महमूद की फिल्मी कामयाबी का सफ़र शुरू होता है। इसके बाद तलत महमूद ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और एक के बाद एक कई बेमिसाल फिल्मों में उनके गाने आए और लोगों ने इन गानों को बड़ा मशहूर किया। एक दौर ऐसा भी आया था जब तलत महमूद को अपनी आवाज़ की लर्जिश पर भरोसा नहीं था। एक गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास के लिए तलत महमूद बिल्कुल सपाट गा रहे थे। तब अनिल बिस्वास ने उन्हें ज़ोर से डांटा था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि तुम्हारी आवाज़ की ये जो नर्जिश है, ये जो कंपन है, यही तुम्हारी ताकत है। और फिर उसके बाद दोस्तों बड़े ही आत्मविश्वास के साथ तलत महमूद ने गाया और उनकी आवाज़ का ये कंपन उनकी खासियत बन गया। दोस्तों, दिलचस्प बात ये है कि तलत महमूद ने कई फिल्मों में गाने गाए, इसके बावजूद वो अपनी गैर फिल्मी गीतों और गज़लों के एल्बम तैयार करते रहे।
यहाँ तक कि उन्होंने फिल्मों में एक्टिंग भी की। दोस्तों, तलत महमूद पहले भारतीय गायक थे जिन्होंने 1956 में विदेश में कार्यक्रम दिया था। इसके अलावा उन्होंने लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल, अमेरिका के मेडिसिन स्क्वायर गार्डन और वेस्ट इंडीज़ के जीन प्यारे कॉम्प्लेक्स में भी कार्यक्रम दिए। 1964 में एक फिल्म आई थी जहारा। इस फिल्म के समय एक अजीब सूरत हाल पैदा हो गई थी दोस्तों। दरअसल संगीतकार मदन मोहन इसके गाने तलत महमूद से गवाना चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर चाहता था कि इस फिल्म के गाने रफ़ी साहब से गवाए जाए। मदन मोहन जिद पर अड़ गए। जब मामला बनता नहीं नजर आया तो मदन मोहन ने अपने पल्ले से पैसे खर्च किए, लेकिन ये गाने तलत महमूद से ही गवाए। रफ़ी साहब इस बात से बेहद नाखुश रहे। तलत महमूद के गाए इस फिल्म के सारे गाने सुपरहिट रहे। गायकी के अलावा इन्होंने करीब 15 हिंदी फिल्मों में एक्टिंग भी की, और वो भी नूतन, माला सिन्हा, सुरैया जैसी बड़ी हीरोइनों के साथ। 1986 में दोस्तों तलत महमूद ने आखिरी रिकॉर्डिंग गज़ल एल्बम आखिरी साज उठाओ के लिए की थी। संगीत निर्देशक नौशाद साहब ने एक बार कहा था कि तलत महमूद के बारे में मेरी राय बहुत ऊँची है, उनकी गायकी का अंदाज अलग है। जब वो अपनी मखमली आवाज़ से अनोखे अंदाज में गज़ल गाते हैं तो गज़ल की असली मिठास का एहसास होता है। उनकी भाषा पर अच्छी पकड़ है और उन्हें पता है कि किस शब्द पर जोर देना चाहिए। तलत महमूद के होठों से निकले किसी शब्द को समझने में कठिनाई नहीं होती। दोस्तों, आपको बता दें कि तलत महमूद ने अपनी बेशकीमती चीज़ यानी संगीत से मुंह मोड़ लिया था। दरअसल तलत महमूद लखनऊ के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने अपनी तालीम अलीगढ़ से पूरी की। अलीगढ़ में वो अपनी बुआ के साथ रहते थे। पढ़ाई के साथ साथ वो भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय से संगीत की शिक्षा भी ले रहे थे। ये वो दौर था दोस्तों जब दिग्गज गायक केएल सहगल के फैन हर गली मोहल्ले में मिलते थे। उन संगीत प्रेमियों की तरह तलत महमूद भी केएल सहगल की गायकी के दीवाने थे। इतना ही नहीं बल्कि वो अपनी गायकी में केएल सहगल की नकल करने की कोशिश भी किया करते थे। केएल सहगल की तरह गाने और अंदाज की नकल करने की कोशिश तलत महमूद के जानने वालों को भी खूब पसंद आती। उस समय तलत महमूद अपने जानने वालों के यहाँ शादी और पार्टियों में गाना भी गाया करते थे। उनका अंदाज लोगों को खूब भाता था और इनकी गायकी के काफ़ी चर्चे थे। तो एक बार हुआ यूं कि अलीगढ़ के विश्वविद्यालय के छात्रों के प्रोग्राम में तलत महमूद को गाना गाने का मौका मिला। ये उस समय की बात है दोस्तों जब तलत महमूद 14 या 15 साल के थे। ये खचाखच छात्रों और शिक्षकों से भरे हुए अलीगढ़ के विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में पहुंचे। स्टेज पर पहुंचने के बाद उनके सामने गुजारिश आई कि वो मिर्ज़ा गालिब की कोई गज़ल सुना दें। तलत महमूद काफ़ी खुश थे। उन्होंने मिर्ज़ा गालिब की एक गज़ल सुनानी शुरू की जिसके बोल थे, नुत्ता ची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने। तलत महमूद की आवाज़ में गज़ल का आनंद हर कोई ले रहा था। इस दौरान जब उन्होंने इस गज़ल की ये लाइन, गैर फिरता है लिए यूं तेरे खत को कि अगर कोई पूछे कि ये क्या है तो छुपाए ना बने, ये गाकर ख़त्म की तो वो एकदम से ब्लैंक हो गए। इस लाइन के बाद वो गज़ल की आगे की लाइन भूल गए। उनका ध्यान अचानक कहीं और चला गया जिसके कारण वो गज़ल की आगे की लाइन भूल गए और थोड़ा सुर से भी भटक गए। अब भारी भीड़ के सामने तलत महमूद चुपचाप बैठे थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तलत महमूद को दोस्तों स्टेज पर सक पकासा देखकर दर्शक गुस्से में आ गए। इसके बाद एक शख्स ने सीटी बजाई जिसे देखते ही देखते कई लोग सीटी बजाने लगे। इसके बाद वहाँ हूटिंग शुरू हो गई। ये देखकर तलत महमूद घबरा गए। उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो स्टेज पर ही रोने लगे। कुछ लोगों ने उनकी हिम्मत बढ़ाई, उन्हें स्टेज से नीचे उतारा और उनका रोना चुप कराया। ये सब हो ही रहा था कि इस बीच एक शख्स की आवाज़ उनके कानों में पड़ी, जब गाना गाना नहीं आता तो स्टेज पर क्यों आए, कसम खा लो कि आज के बाद स्टेज पर नहीं जाओगे और पब्लिक के सामने नहीं गाओगे। ये बात मानो तलत महमूद के दिल पर तीर की तरह जा चुभी। इस घटना ने तलत महमूद के दिल पर वो गहरी चोट दी कि उनके अंदर खौफ बैठ गया। वो गाने के नाम से ही डरने लगे थे। उनका आत्मविश्वास मानो कहीं खो गया। उनके अंदर ये डर बैठ चुका था कि पब्लिक के सामने गाना
उनके बस की बात नहीं, पर तलत महमूद को इस तरह से खौफ के मंजर में समाया देख उनकी बुआ ने उन्हें डर के साए से बाहर निकाला। बुआ ने उन्हें खूब समझाया और उन्हें हिम्मत दी, जिसके चलते तलत महमूद का खोया हुआ आत्मविश्वास एक बार फिर लौटा। संगीत में अगर आज तलत महमूद का इतना नाम है दोस्तों, तो वो उनकी बुआ की वजह से ही है। तलत महमूद की बुआ की बदौलत ही उनका दाखिला मॉरिस कॉलेज ऑफ म्यूज़िक में हुआ था। लेकिन दोस्तों, तलत महमूद के पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा म्यूज़िक में करियर बनाए, लेकिन बुआ ने उनके वालिद को कैसे भी मनाकर उनका दाखिला करवाया। कदम कदम पर उनकी बुआ ने उनको हिम्मत दी। दोस्तों, आखिरी दिनों में तलत महमूद ज़्यादा बीमार हो गए थे, उन्हें पार्किंसन हो गम की दुनिया से दिल भर गया। डॉक्टर से जांच करवाया, डॉक्टर ने जांच की और उन्हें बताया कि हमें बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि आप जिंदगी भर नहीं गा सकेंगे। दोस्तों, तलत महमूद इस बात को लेकर डिप्रेशन में चले गए थे और कुछ अरसे बाद 9 मई 1998 को वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। वो गुजरा जमाना मुझे भूल जाना मेरी याद में। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते। वही जिंदगी वही मरहले वही कारवा वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर कभी तुम नहीं कभी हम नहीं।